प्रोपोर्शन तो रेशियो तो तुम्हारे कोर्स में है नहीं, प्रोपोर्शन और सी एन डी है, सी एन डी बोला जाता है उसको शॉर्ट में, कॉम्परेटिव डिविडेंड टू को, ठीक है। तो पहले हम लोग प्रोपोर्शन देखते हैं। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि चार ऐसे नंबर हो या तीन ऐसे नंबर हो जो एक दूसरे को सेम रेशियो बियर करते हैं, ठीक है। तो इसमें हो सकता है ए इज टू बी, दैट इज सी इज टू डी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ए इज टू बी विच इज या दैट इज सी इज टू डी, ठीक है। तो हम लोग और क्या लिख सकते हैं, फिर ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, या क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। तो प्रोपोर्शनैलिटी में एक रूल होता है कि उसमें हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ट्रू होता है, ठीक है। तो अगर हम डी को इधर भेजेंगे और बी को इधर भेजेंगे तो ए इंटू डी विल बी इक्वल टू बी इंटू सी, ठीक है। तो इसको तुम चाहे ये करो कि जो इसमें रेशियो तुम बनाओगे, जो फ्रैक्शन बनाओगे, उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमेशा इक्वल होता है, या तुम इसको कह सकती हो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है। तो ये वाला रूल भी इसमें फॉलो होता है। तो अब इसमें हम लोग नेमिंग के हिसाब से अगर देखें तो ए इज टू बी विच इज सी इज टू डी, तो ए जो होता है ये इसका होता है फर्स्ट प्रोपोर्शनल कहलाता है, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड प्रोपोर्शनल, इसको कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल, और ये हो जाता है फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है। अगर मान लो चार की जगह तीन नंबर तुमको रेशियो में दे रखे हैं, ए बी सी आर प्रोपोर्शनल, क्वेश्चन तो बात करेंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये कंटिन्यूस प्रोपोर्शन है, ठीक है, ये कंटिन्यूस प्रोपोर्शन हो जाते हैं। इसमें सी जो होगा वो थर्ड प्रोपोर्शनल होगा, और इसमें क्या होता है ए और बी का जो रेशियो होगा वही बी अपॉन सी का रेशियो होगा, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखेंगे ए इज टू बी विच इज बी इज टू सी, ठीक है। तो यानी कि इसमें भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, बी इज इक्वल टू इलेवन ए सी, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया, ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल हो गया, ये सेकेंड प्रोपोर्शनल हो गया, और ये थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया। इसको हम लोग कहते हैं ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन है, कंटिन्यू प्रोपोर्शन क्योंकि इसमें एक जो बीच वाला होता है कंटिन्यू हो जाता है नेक्स्ट प्रोपोर्शन के लिए,
कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड सी, ठीक है। फिर उन्होंने इसमें मीन प्रोपोर्शनल निकालने को कहा है, यानी कि 5 क्या है, ए है, और सी क्या है, वो 80 है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट ए सी, बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5 इंटू 80, 400, बी इज इक्वल्स टू 20। इसके आगे बड़ प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। हम जो ना सेवन का बेबी टेबल